भिंड जिले के गोरमी थाना क्षेत्र के नुनहार के आर्मी में नायब सूबेदार अरविंद बघेल अरुणाचल प्रदेश में ड्यूटी के दौरान शहीद हो गए। घटना गुरुवार सुबह की बताई जा रही है। शहीद का पार्थिव शरीर तिरंगे में लिपटकर सुबह उनके गृह गांव नुनहार पहुंचा, जहां सैनिक सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। जब शहीद का पार्थिव शरीर उनके गृह गांव पहुंचा तो भारत माता की जय, हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए गए। परिजनों ने बताया कि शहीद अरविंद बघेल सेना में 2000 में जबलपुर में भर्ती हुए थे। मराठा इमलाई रेजिमेंट में पदस्थ थे। शहीद अरविंद बघेल करीब एक वर्ष पूर्व प्रमोशन के बाद JCO बने थे और घर पर एक माह पूर्व छुट्टियां बिताकर अरुणाचल प्रदेश चीन बॉर्डर पर पहुंचे थे। बताया गया कि अरविंद बघेल की ड्यूटी के दौरान स्वास्थ्य खराब हो गया था। वहीं शहीद की सूचना मिलने पर राज्य मंत्री OPS भदौरिया, जनपद अध्यक्ष से तमाम राज्य नेता, आला अधिकारी और क्षेत्रवासी अंतिम संस्कार में मौजूद रहे। मातृभूमि की सेवा करते हुए हमारे परिवार का, मेरे क्षेत्र का एक जवान शहीद हुआ है, अपने प्राणों की आहुति दी है। इस संकट के समय में मैं उस नौजवान को तो श्रद्धा सुमन उसके चरणों में अर्पित करता हूं और खास तौर से उस परिवार के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त करना चाहता हूं। फीवर था, उसके बाद हमने इसको MIRU में, फिर MIRU से MH में, MH से फिर दूसरे दिन इसको डेथ हो गया। कहाँ तैनात थे ये? ये चाइना बॉर्डर पर तैनात थे। वो थोड़ा सा क्या है, डिफिकल्ट एरिया है, वहाँ से आने में जाने में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, रोड एंड ट्रैक की कमी है।